तो साथियों आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी शहर में आए हुए हैं और उन छात्रों से मिलेंगे जो अभ्युदय योजना में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और साथियों देखिए ये तारामंडल रोड पे जो सड़क साफ़ करने वाली मशीन होती है उसे लगाया गया है और सड़क को बिल्कुल इतना सफाई किया जा रहा है कि कभी जैसे कि साफ ही न किया गया हो, और अगर ऐसा ही रोज़ किया जाए तो कितना अच्छा रहता। तो साथियों चलिए हम चलते हैं सीधे सर्किट हाउस की तरफ जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से बात करेंगे। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सर्किट हाउस आ चुके हैं और अभी हम अंदर भी चलेंगे क्लासरूम में जहाँ पे छात्रों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं साथियों सर्किट हाउस है ये और यहाँ पे स्टूडेंटों से दरोगा जी बात करते हुए। जी सर ठीक है तो मैं बता दूं साथियों यहाँ पे सारे स्टूडेंट धीरे धीरे देखिए अंदर जा चुके हैं और परमिशन हम लोगों को मिल गया है अंदर जाने के लिए। अभी दरोगा जी से बात हो रहा था साथियों और अंदर जाने का परमिशन नहीं मिल रहा था तो सीडीओ सर से बात कराया गया है और सीडीओ सर ने बोला है कि बच्चों को अंदर जाने दीजिए। और यहाँ पे धीरे धीरे सभी बच्चे एनएससी की तरफ जा रहे हैं जो सर्किट हाउस में है। तो साथियों हम लोग आ चुके हैं एनएससी ऑफिस की तरफ जहाँ पे हम लोगों का क्लास चलता है और यहाँ पे व्यवस्था दिखा दे साथियों बहुत ही कड़ी है। यहाँ पे देखिए अभी चेक इन का व्यवस्था किया गया है और चेकिंग की जा रही है सभी छात्रों का, यहाँ पे जांच होगा उसके बाद से सभी लोग अंदर जाएंगे। यह साथियों एनएससी ऑफिस भवन। यह साथियों अभ्युदय योजना का बोर्ड और 5 तारीख को ये लिखा है। देख पा रहे हैं साथियों ये स्टेट है
इसी सभागार से माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करने वाले हैं अभ्युदय योजना के छात्रों को। यहाँ पे साथी मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है, फिर भी हम कर रहे हैं। जिनके मार्गदर्शन में लोगों ने सफलता की राह जो दिशा देने का काम पहले से कर रहे थे, दूसरा वे लोग थे इसके साथ जुड़े, दोनों प्रकार के लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। एक तो यह एक नया अनुभव है और इसलिए अभ्युदय नाम हमने दिया। देखिए अभ्युदय, जब हम लोग चाहते हैं भारतीय दर्शन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां दो शब्द आते हैं, वैशेषिक दर्शन जो हमारे छह आस्तिक दर्शन है उसमें से एक वैशेषिक दर्शन है। उस दर्शन में धर्म की जो परिभाषा कही गई है उसमें यही कहा गया कि तो यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सर्वधर्म। अभ्युदय और निश्रेष दो शब्द है, अभ्युदय इस लोक के लिए और निश्रेष परलोक के लिए। अभ्युदय यानी इस लोक में जो हमारे सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग, जीवन में सफलता का मार्ग प्रदान करने का नाम ही अभ्युदय है और इसलिए हमने नाम भी उसका नाम अभ्युदय रखा। सांसारिक उत्कर्ष में हमें सफलता की हर मंजिल तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है वह प्रदेश सरकार की योजना का नाम ही अभ्युदय है। एक हम लोगों ने इसको इसके साथ जोड़ा। इसमें हमारे जो अधिकारी है या फैकल्टी है ये सब योजक का काम है। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता है, अलग अलग फील्ड का विशेषज्ञ है। जो मैंने पहले कहा ना कि मैं ये बोलूं कि मैं ही सब कुछ जानकारी रखता हूं ये मेरी मूर्खता हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जरूर हैं। ईश्वर ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि वह व्यक्ति ये मान के चले कि साहब मुझे मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है। अगर एक क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में होगा, लेकिन शासकीय सेवा में या जीवन के किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक योजक के रूप में हमारे अधिकारीगण या अच्छी फैकल्टी प्राध्यापकगण और अच्छी फैकल्टी उनका मार्गदर्शन कर सके, यह भूमिका तो योजक के रूप में उनकी होगी और उस मार्ग का अनुसरण करके सफलता प्राप्त करना ये आपका कार्य होगा। और इसमें आपको दोनों सुविधाएं हम दे रहे हैं। एक क्योंकि पहले चरण में सीमित संख्या है तो सीमित संख्या होने के नाते कम संख्या में ही हमने प्रतियोगी छात्रों को कोविड-19 के भी चैलेंज को देखते हुए और अन्य कारणों से भी पहले चरण में कुछ कम लोगों को लिया गया है जो साक्षात क्लास अटेंड कर सके, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था दी गई कि शेष अन्य लोग वर्चुअली जुड़ सकते हैं, उसके लिए उन्हें लिंक उपलब्ध कराया गया कि वे लोग इसके साथ जुड़ करके क्लास में क्या हो रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है, कैसे वह उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, ये चीजें उसके साथ जोड़ी जा रही है। और इसमें जो भी अनुभव आएंगे उसके अनुरूप हम लोग फिर इसमें बहुत जल्दी चेंज करने जा रहे हैं, उसमें उसी के अनुसार हम लोग उसमें परिवर्तन भी करेंगे। एक चीज जो आपको देखना होगा कि हमने इस बार बजट में एक और व्यवस्था की, हमारे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक कारणों से पारिवारिक आर्थिक स्थितियों के कारण वर्चुअली क्लास अटेंड करने की इच्छा रखते हुए भी वह व्यक्ति हो सकता है उसके पास स्मार्टफोन ना हो या स्मार्टफोन है भी तो स्मार्टफोन पे कितना वह निकाल पाएगा कितना वह डाउनलोड कर पाएगा ये सारी चीजें भी निर्भर करती हैं। हम लोगों ने एक व्यवस्था दी, हम उनके लिए पात्रता की श्रेणी एक हम लोगों ने तय की है, उसके अनुसार उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि अभ्युदय के साथ जुड़ने वाले छात्र छात्रा और फिजिकली के साथ अगर वह वर्चुअली कहीं भी जुड़ना चाहता है, प्रदेश के किसी भी सेंटर के साथ जुड़ना चाहता है, उसको लगता है कि इस विषय की जानकारी फलानी क्लास में अच्छी दी जा रही है,
फलाना अधिकारी फलाना फैकल्टी अच्छा जानकारी इसके बारे में दे रहा है, अच्छी उसकी उसकी व्यवस्था है, तो वह वर्चुअली भी उसके साथ जुड़ सके, ये सुविधा हम उनको उपलब्ध कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सभी उत्साह के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक नया माहौल बनना चाहिए, एक सकारात्मक दिशा में से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अधिकारियों को और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वे सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जीवन में कभी हिम्मत मत खोइए, धैर्य के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन जिस कार्य के लिए आप लगे हैं पूरी तन्मयता के साथ उस फील्ड में, और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के पीछे कारण क्या होता है, जहां हम लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, वही अक्सर हमें भ्रम में डाल देता है परीक्षा के समय। ऐसी स्थिति ना आने पाए ये हम लोग अभी से ध्यान देते हैं, और छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देकर के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें